नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुमार विनय और जस्ट नॉलेज चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग महासागरों का सफर कर रहे थे, मीन्स महासागरों की हम लोगों की यात्रा चल रही थी। महासागर की यात्रा के दौरान हम लोग पहले महासागरों के अंदर गए, उसके नेतल के बारे में जाना, उसके बाद में हम लोग महासागरों के ऊपर आए, उसकी सतह के बारे में जाना, सतह पर होने वाली घटनाएं जैसे कि तरंगे, धाराएं, तापमान, लवणता या सैलिनिटी, इन सभी के बारे में अध्ययन किया है। देखिए, हम लोग अभी तक विज्ञान के अंतर्गत सामान्य जो भूगोल, उसके अलावा जियोमॉर्फोलॉजी मीन्स भू आकृति विज्ञान, उसके अलावा हम लोगों ने ओशनोग्राफी यानी कि समुद्र विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों में से जो भी लोग वीडियो देखते हैं, अगर उन्हें किसी भी तथ्य में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछा कीजिए। देखिए, कोई भी टॉपिक को बहुत ज़्यादा पढ़ लेना बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन समझ के पढ़ना सबसे ज़रूरी बात होती है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग अगर समझ के पढ़ेंगे तभी आप इससे जुड़े हुए उत्तर प्रश्नों को कर पाएंगे और सटीक उत्तर अपना दे पाएंगे। इसी क्रम में मैं आप लोगों के लिए, मैंने आपको पहले बताया था कि मैं अब इसके बाद में प्रश्नों को करवाऊंगा, मीन्स हमने जो जो भी टॉपिक पढ़े हुए हैं उनसे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हमारे प्रीवियस ईयर आए हैं, चाहे वो यूपीएससी के हो या स्टेट पीएससी के हो, उनसे जुड़े हुए सारे प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। तो उसकी भी वीडियो कल से आप लोगों को मिलना प्रारंभ हो जाएगी और मैं कोशिश करूंगा कि एक दिन में आपको दो वीडियो प्रोवाइड कराऊं, ठीक है? तो आप लोग अपना साथ बनाए रखिएगा। मैं भूगोल को बिल्कुल आपके लिए आसान कर दूंगा और आप लोगों को बहुत ही मजा आएगा इसको पढ़ने में। तो हम लोग पढ़ रहे थे समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञान में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रवाल भित्ति यानी कि कोरल रीफ। तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए कि कोरल और कोरल रीफ यानी कि प्रवाल और प्रवाल भित्ति दोनों दो तरह की संरचनाएं होती हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर में प्रवाल होता क्या है, यानी कि कोरल, व्हाट इज कोरल। प्रवाल के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, एक नन्हा समुद्री जीव होता है प्रवाल। जो होता है वो एक बहुत ही छोटा सा सबमरीन ऑर्गेनिज्म होता है, एक बहुत ही नन्हा सा छोटा सा समुद्री जीव होता है और ये जीव लाखों की संख्या के समूह में एक साथ रहते हैं, ठीक है? और एक सख्त खोल में इनका निवास होता है। सख्त खोल का मतलब कैसे, आप लोगों ने घोंघा देखा होगा या इस प्रकार की अन्य आकृतियां देखी होगी, शंख देखा होगा, तो इनके अंदर जो जीव होते हैं बेसिकली कोरल भी इसी प्रकार का एक मरीन ऑर्गेनिज्म है, एक हमारा जलीय जीव है। अब कोरल करते क्या है? कोरल जो समुद्र के, मैंने आपको बताया था समुद्र में जब सैलिनिटी वाला चैप्टर बताया था तो उसमें बताया था मैंने कौन कौन से लवण या कौन कौन से नमक हमारे सागर के जल में घुले हुए होते हैं। उनमें मैंने आपको बताया था कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम आप लोग जानते होंगे कि कैल्शियम से ही हमारी हड्डियां बनी होती हैं। कैल्शियम, तो कैल्शियम को वो एक्सट्रैक्ट करता है, मीन सागरीय जल से कोरल जो प्रवाल जीव होता है ये एक्सट्रैक्ट करता होगा। ये जो आप लोग इमेज देख रहे होंगे बहुत ही रंग बिरंगी समुद्र की दुनिया, इसमें जो ये रंग बिरंगे आपको जीव दिखाई दे रहे होंगे बेसिकली यही कोरल है, ठीक है? ये जो रंग बिरंगे आप जीव देख रहे हैं यही हमारे कोरल होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि समुद्र के जल से कैल्शियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मीन्स उससे कैल्शियम को लेते हैं और उससे अपना एक मजबूत स्केलेटन यानी कि खोल बनाते हैं और उसी खोल के अंदर ये निवास करते हैं। बेसिकली ऐसा माना जाता है कि ये समुद्र के अन्य जीवों से अपनी रक्षा करने के लिए इस प्रकार की संरचना को अपनाते हैं या इस प्रकार के अपने घर को बनाते हैं और उसी के अंदर ये रहते हैं, ठीक है? तो ये तो हो गया कोरल के बारे में। अब हम बात करते हैं आखिर में कोरल भित्ति क्या होती है, मीन्स प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ्स क्या होते हैं। तो प्रवालों की मृत्यु के पश्चात छोड़ी गई चट्टान के समान मजबूत संरचना, इन्हीं को हम लोग प्रवाल भित्ति कहते हैं। अब इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। देखिए क्या होता है कि जब कोरल की मृत्यु होती है, ठीक है, मीन्स कोई प्रवाल है, ये मान लीजिए आपका समुद्र का तल हुआ, कोई प्रवाल है, अगर इसकी मृत्यु हुई मीन्स जहां पर ये रह रहे हैं तो इसके ऊपर कोरल की एक मृत्यु हो गई। अब इसके जो पीढ़ी आगे आने वाली पीढ़ी है या जो अन्य प्रवाल हैं क्या करते हैं, वो इसके जो खोल से कैल्शियम कार्बोनेट को या कैल्शियम को एक्सट्रैक्ट करते रहते हैं और इसी के ऊपर अपना जीवन यापन करते हैं, मीन्स इसके ऊपर भी ये रहने लगते हैं। ध्यान दीजिएगा कि ये बहुत ज़्यादा मूव नहीं करते हैं सागर की सतह के अंदर, मीन्स ये स्थिर होकर वहीं पर अपना जीवन
निर्वाह करते हैं, तो इसके ऊपर इस तरह से मृत्यु हो जाती है। मीन्स फिर यहाँ पर कोरल, इसके ऊपर मृत्यु इस प्रकार से, तो ये एक चट्टान के समान मजबूत संरचना बनती जाती है। मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट आप लोग जानते होंगे कि एक हैवी एलिमेंट हैवी सब्सटेंस है, मीन्स जो कि भारी पदार्थ होता है। तो ये एक मजबूत खोल जो इनकी होती है, ये यहाँ पर छूटती जाती है और इसके अंदर का जीव मर जाता है। तो धीरे धीरे हाई प्रेशर से क्या होता है कि जब इसके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाता है तो ये धीरे धीरे दबने लगते हैं, ठीक है, स्ट्रेस हो जाता है, और इसके परिणाम स्वरूप जो आकृति का निर्माण होता है इसी को हम लोग कहते हैं कोरल रीफ्स, मान यानी कि प्रवाल भित्ति। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आखिर में प्रवाल और प्रवाल भित्ति में क्या अंतर होता है। प्रवाल बेसिकली एक जीव है और प्रवाल भित्ति जो होती है वो चट्टानों के समान एक मजबूत संरचना होती है जो कि प्रवालों की मृत्यु के पश्चात बनती है, ठीक है। तो ये चूना प्रधान चट्टाने होती हैं, चूना प्रधान मैंने क्या बताया आपको, क्योंकि इसमें कैल्शियम होता है, तो ये चूना प्रधान चट्टाने होती हैं। अब मैं आपको बताता हूं प्रवालों से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्य। जैसा कि मैंने बताया कि एक प्रवाल की मृत्यु हो जाने के बाद में दूसरा जो प्रवाल होता है वो अपना जीवन उसी के ऊपर प्रारंभ करता है। मीन्स उसकी मृत्यु के बाद में जो दूसरा प्रवाल होता है उसी के ऊपर आता है और अपना जीवन निर्वाह करता है। फिर इसकी मृत्यु होती है, इसके ऊपर तीसरा, इसी प्रकार से ये संरचना चलती जाती है। लेकिन इनका जीवन जो होता है इतना आसान नहीं होता, ऐसे नहीं रहते हैं। एक समुद्री जीव होता है जिसका नाम है जू जंथलाई या जुक्सन सैले भी इसे कहा जाता है, जुक्सन थैले भी इसे कहा जाता है कभी कभी। तो ध्यान रखिएगा जू जेंथलाई या जुक्सन सैले नाम का एक सूक्ष्म पादप होता है, समुद्री पादप। तो ये क्या करता है, ये इसी की खोल के अंदर आ जाता है, ठीक है। मीन्स जो इसकी खोल होती है, जो इसकी स्केलेटन होती है, इसी के अंदर जू जेंथलाई नामक जो सूक्ष्म पादप होता है समुद्री, वो भी इसके अंदर में आ जाता है, इसके खोल के अंदर। इसके खोल के अंदर ये क्या करता है कि सूर्य की जो किरणें आती हैं, सूर्य की किरणों के द्वारा ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, मीन्स फोटोसिंथेसिस करता है, और उसके परिणाम स्वरूप ये खाना बनाता है, ठीक है। तो जो अति सूक्ष्म पादप जू जेंथलाई होता है, इसके साथ में इसका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, मीन्स सहजीवी संबंध होता है। सहजीवी संबंध का मतलब कि जैसे आप मेरे लिए कुछ करिए, मैं आपके लिए कुछ करूंगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा जू जेंथलाई पादप, और ये हो गई हमारी प्रवाल। प्रवाल क्या करती है, पादप क्या करता है, ये जो जो जुक्सन थैले या जू जेंथलाई जो पादप होता है ये भोजन प्रोवाइड करता है। मैंने आपको बताया कि ये समुद्र की सतह में प्रवाल के अंदर सूर्य की रोशनी से फोटोसिंथेसिस करता है, मींस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है और भोजन का निर्माण करता है, और इस भोजन को ये प्रोवाइड कराता है प्रवालों को, ठीक है। उसके बाद में प्रवाल क्या करती है, प्रवाल इनको सुरक्षा देती है, मींस कहती है कि आइए आप हमारे घर में रहिए, कि जैसे आपके घर में कोई व्यक्ति आ गया, मीन्स आप माल समझ लीजिए कि कोई बड़ा सा व्यक्ति आ गया, कोई बहुत ही ताकतवर, तो आप उसको खाना दे, वो आपको खाना प्रोवाइड, आप उसको खाना प्रोवाइड कराएं और वो आपको सुरक्षा प्रोवाइड कराएं, ठीक है। आप किसी के घर में जाएं तो ठीक उसी प्रकार से समझिए कि क्या होता है, प्रवाल इनको सुरक्षा देती है, अपने घर में रखती है, और ये जो पादप होते हैं फोटोसिंथेसिस की क्रिया के परिणाम स्वरूप इनको भोजन प्रोवाइड कराते हैं। तो इसी की तरह इन दोनों का सहजीवी संबंध होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं आइडियल कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ कोरल्स, मीन्स प्रवालों की वृद्धि के लिए आदर्श दशाएं क्या होती हैं, मीन्स किन दशाओं में प्रवालों की वृद्धि होती है हमारे समुद्र में। तो देखिए सबसे पहले तो इन्हें क्या चाहिए, इन्हें एक अंतःसागरीय चबूतरा चाहिए, मीन्स एक ऐसा चबूतरा आप लोग जानते होंगे, मीन्स समुद्र में ऐसा स्थान जो कि बहुत ज्यादा गहराई में ना हो, मीन्स वहां पर सूर्य की रोशनी आसानी से पहुंचती रहे। मैंने आपको बताया था कि सूर्य की रोशनी जो होती है वो समुद्र में लगभग 600 फीट तक पहुंचती है। तो इसी प्रकार से एक चबूतरा चाहिए कि जहां पर इनको सूर्य का प्रकाश मिलता रहे, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में ही ये जो जो जुक्सन थैले नाम का पादप होता है ये भोजन बना सकता है। तो अंतःसागरीय एक चबूतरा 200 से 300 फीट में जहां पर सूर्य का प्रकाश पहुंचता रहे, ये इसके लिए कंडीशन होती है, ठीक। उसके बाद में वहां का जो तापमान है वो 22-25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, मीन्स ना तो इससे कम होना चाहिए और ना ही इससे ज्यादा होना चाहिए। अगर इससे कम या ज्यादा हुआ तो प्रवालों की मृत्यु हो जाती है। तो
तो तापमान अगर इतना चाहिए तो इसके लिए गर्म चाहिए और उष्णकटिबंधीय सागर चाहिए। मींस जो हमारे मेडिटेरियन सी की बात हुई या इंडियन ओशियन, मींस भूमध्य रेखा के पास में, भूमध्य रेखा के पास में ऐसा स्थान जहां का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। बेसिकली ये जो रीजन होता है ये 25 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री साउथ तक होता है। अच्छा, सौ देशांतर रेखाओं के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो 25 डिग्री नॉर्थ मीन्स इस रीजन से लेकर के इस रीजन के बीच में होता है। ठीक है, ना तो बहुत ज्यादा सैलेंट्री चाहिए और ना ही बहुत अधिक शुद्ध जल चाहिए, मीन्स दोनों ही इनके लिए नुकसानदायक है। क्यों? तो सैलिनिटी कितनी चाहिए? सैलिनिटी चाहिए 25% से 30%, मीन्स 1 ग्राम, सॉरी 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम समुद्री जल में 25 ग्राम नमक घुला होना चाहिए, इतनी ही सैलिनिटी इसके लिए आवश्यक है। ठीक है, तो इसी में इनका विकास होता है। तो ये तो हो गई प्रवाल की वृद्धि के लिए आदर्श दशाएं। आप लोगों ने समझ गए होंगे कि इनको एक अंतरसागरीय चबूतरा चाहिए जिसके ऊपर ये रह सकें, उसके बाद में वहां सूर्य का प्रकाश पहुंचता रहे, मीन्स ऐसी जगह होनी चाहिए जहां सूर्य का प्रकाश पहुंचता रहे। तो 200 से 300 फीट की ये गहराई चाहिए। उसके बाद में वहां का टेम्परेचर 20 डिग्री टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, हॉट होना चाहिए, उसके अलावा उष्णकटिबंधीय सागर होना चाहिए। ठीक है, मीन्स हमारा ट्रॉपिकल रीजन होना चाहिए। और 25 डिग्री नॉर्थ टू 25 डिग्री साउथ में ऐसी दशाएं मिलती है जहां पर प्रवालों की वृद्धि हो सके। ठीक है, सागरीय जल की ना बहुत ज्यादा सैलिनिटी होनी चाहिए और ना ही बहुत ही ज्यादा फ्रेश वाटर होना चाहिए। वहां की जो सैलिनिटी है वो 25% से 30% होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रवाल भित्ति का वितरण किस प्रकार से है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरल रीफ, तो ये हमारा वर्ल्ड मैप है। तो इसमें आइए मैं आप लोगों को बताता हूं कि प्रवालों की जो वृद्धि होती है वो कहाँ पर सबसे ज्यादा होती है। मैंने आपको बताया कि 25 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री साउथ तक, ये हमारी लाइन कौन सी है? भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर लाइन। ठीक है, तो इक्वेटर लाइन के पास ही इस रीजन में जो हमारा ये रीजन है, ये पूरा रीजन या यहाँ का रीजन जो है, इस प्रकार से यहाँ पर इन प्रवालों से वृद्धि होती है, मीन्स प्रवालों की वृद्धि इस रीजन में बेसिकली होती है। ये जो आप लोग रीजन देख रहे होंगे यहाँ पर प्रवालों की वृद्धि होती है या प्रवाल जीव यहीं पर पाए जाते हैं। तो जहां पर प्रवाल जीव होंगे वहीं पर प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये कहां से? ये कैरेबियन सागर हो गया। उसके बाद में हम आ गए अपने हिंद महासागर में, केन्या के तटों के पास में, इस सब रीजन में। उसके अलावा फिर आ गए इंडोनेशिया के द्वीपों के पास में, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में जो ये पूरा आप लोग रीजन देख रहे हैं, ये पूरा जो हमारा रीजन है यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रवालों पाए जाते हैं और इनसे प्रवाल भित्ति का निर्माण इस रीजन में सबसे ज्यादा हुआ है। ग्रेट बैरियर रीफ, आप लोगों ने नाम सुना होगा, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में है। ये सबसे बड़ी प्रवालों की संरचना है, मीन्स प्रवालों से बनी हुई सबसे बड़ी संरचना है और ये सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। इसकी लंबाई शायद 1200 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से में है और यहीं पर एक प्रवाल सागर भी है, मीन्स प्रवालों की बहुत ज्यादा अधिकता के कारण इसे नाम इसका नाम प्रवाल सागर भी दिया गया है। ठीक है, तो ये तो हो गए, हम लोग जान गए अब डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर इसका हुआ है। अब चलिए हम जानते हैं प्रवालों की मृत्यु कब होती है। कोरल ब्लीचिंग यानी कि प्रवाल विरंजन। प्रवाल विरंजन क्या होता है, आइए समझते हैं। मैंने आपको बताया कि प्रवालों की जन्म के लिए या इनकी वृद्धि के लिए कुछ आदर्श दशाएं होती हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी दशाओं में इन प्रवालों का उद्भव होता है और इनकी वृद्धि होती है। जब इन दशाओं में से कोई भी दशाएं अनुपयुक्त हो जाती है, मीन्स कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं करती है, उस स्थिति में प्रवालों की मृत्यु हो जाती है और इसी घटना को हम लोग प्रवाल विरंजन कहते हैं। ठीक है,
तो जब प्रवालों की मृत्यु हो जाती है, जो कंडीशन मैंने आपको बताया उनमें से कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाती है, उस स्थिति में प्रवालों की मृत्यु हो जाती है और उसी के घटना को हम लोग प्रवाल व्यंजन कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब प्रवाल वृद्धि की दशाएं अनुपयुक्त होती हैं, मीन्स कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाती हैं उनकी वृद्धि के लिए, तो उस स्थिति में प्रवालों की मृत्यु हो जाती है। ध्यान दीजिएगा कि प्रवाल जहां पर समुद्र की सतह में रहते हैं वो बहुत ही ज्यादा इकोसिस्टम को मीन्स अच्छा माना जाता है, हेल्दी इकोसिस्टम माना जाता है, कि मीन्स वहां पर कोई भी जीव रह सकते हैं, बायोडायवर्सिटी वहां पर पाई जाती है, मीन्स जैव विविधता वहां पर होती है, बहुत सारे समुद्री जीव पाए जाते हैं। और ये माना जाता है कि जहां पर प्रवाल की वृद्धि होती है, जहां पर प्रवाल रह सकते हैं वहां पर बहुत सारे जीव रह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, मीन्स अगर इनकी जो दशाएं इनको चाहिए, जो कंडीशन इनको चाहिए, अगर उनमें से जरा सा भी परिवर्तन होता है तो इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, सबसे पहले 1998 के आसपास, 1998 के आसपास में प्रवालों की मृत्यु की घटना देखी गई थी केन्या के तटों के पास में, फिर इंडियन ओशियन में अपने अंडमान निकोबार के पास में, इस जगह पर, इन सभी बहुत जगहों पर 1998 के आसपास प्रवालों की मृत्यु से संबंधित घटनाएं देखी गई थी। तो चलिए हम जानते हैं कि आखिर में प्रवालों की मृत्यु किस प्रकार से होती है, कौन कौन से रीजन इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो सबसे पहला और जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो है तापमान वृद्धि। तापमान वृद्धि में सबसे पहले कौन सा कारक है, वो है हमारा वैश्विक ताप वृद्धि यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आप लोग जानते होंगे कि जब किसी भी कारणवश से पूरे विश्व के तापमान में वृद्धि होती है, पूरे वैश्विक स्तर पर तापमान की वृद्धि होती है, तो उसके परिणाम स्वरूप सागर के जल में भी तापमान की वृद्धि होती है और उस स्थिति में इन प्रवालों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद में ओजोन परत क्षरण, मींस ओजोन लेयर डिप्लेशन क्या होता है, आप लोगों को आगे वायुमंडल में हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारा सूर्य से आने वाले किरणें होते हैं, जो सूर्य से सनलाइट के रूप में एनर्जी मिलती है हमारे पृथ्वी पर, उसमें ओजोन परत जो कि हमारे समताप मंडल में स्थित है, समताप मंडल में ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकता है, लेकिन जिस तरह से मनुष्य का प्रकृति में हस्तक्षेप बढ़ गया है उसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है कि ओजोन परत की जो मोटाई है वो कम होती जाती है, कम हो जा रही है, मीन्स इसमें इसका क्षरण हो रहा है धीरे धीरे, और इसके परिणाम स्वरूप जो पराबैंगनी किरणें हैं वो सागर की सतह तक पहुंच जाती हैं, तो इसके परिणाम स्वरूप भी तापमान में वृद्धि होती है और इससे भी कोरल के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, मीन्स उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर एक महत्वपूर्ण घटना है एलनिनो। एलनिनो के बारे में भी हम लोग डिटेल में क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि एलनिनो की घटना में क्या होता है, इसमें भी सागरीय जल का तापमान बढ़ जाता है, मीन जो हमारे इक्वेडोर साउथ अमेरिका के पास में जो कंट्री है, इक्वेडोर पेरू इन सभी के पास में क्या होता है कि सागर के जल में अचानक से तापमान की वृद्धि हो जाती है। मीन्स ऐसा क्यों होता है, हालांकि इसके बारे में अभी तक वैज्ञानिक पता नहीं लगा पाए हैं, और इसकी जो तापमान में वृद्धि होती है वैश्विक स्तर पर पूरे महासागर में देखी जाती है, मीन्स ये ग्लोबली होता है, इसका इफेक्ट पूरे विश्व की जलवायु पर पड़ता है एलनिनो का इफेक्ट। तो एलनिनो के परिणाम स्वरूप भी तापमान में वृद्धि होती है जिसके कारण प्रवालों की मृत्यु हो जाती है। फिर हम लोग बात करते हैं नदी के जल द्वारा, तो सबसे पहले क्या होता है कि नदी के जल से अवसादों का जमाव होता है, अवसादों का अगर जमाव होगा तटों के पास में तो इससे क्या होगा कि जो प्रवाल होते हैं इनकी मृत्यु हो जाएगी। अवसादों के जमाव से जो उसके अंदर जक्सन थैले नाम का जीव पाया जाता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाएगा और उसके परिणाम स्वरूप भी इनकी मृत्यु हो जाएगी। फिर जो हम लोग खेतों में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, जो रासायनिक उर्वरकों का हम लोग प्रयोग करते हैं अपने खेत में, ये भी नदी के जल के द्वारा हमारे सागर में पहुंचते हैं, और ये क्या करते हैं कि सागर की सतह के ऊपर एक लेयर बना देते हैं, एक परत बना देते हैं,
इस परत के बनने के परिणाम स्वरूप क्या होता है, ये मान लीजिए हमारा सागर हुआ तो इसके ऊपर परत बना दिया, तो जो सन की रेज आ रही हैं वो अब अंदर तक नहीं जा पा रहे, सागर के अंदर नहीं जा पा रही हैं, और इसके परिणाम स्वरूप इन प्रवालों की मृत्यु हो जाती है। मीन्स सेडिमेंटेशन अवसादों के जमाव से, अवसाद अगर इसके ऊपर जमा हो गए तो उससे भी ये संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाएंगे, और रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से ये जा करके समुद्र की सतह के ऊपर एक लेयर बना देते हैं, इससे भी ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं कर पाती है। जुक्सनथैले नाम का जो पादप पाया जाता है, समुद्री पादप या शैवाल पाया जाता है, और इसके परिणाम स्वरूप भी इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर जो हमारा अगला महत्वपूर्ण कारक है वो है समुद्री प्रदूषण। मैंने आपको बताया कि जो हमारे फैक्ट्रियों से निकलने वाला कचरा है या शहरों से निकलने वाला कूड़ा कचरा हुआ, ये सब समुद्र में कहीं ना कहीं पे इसको डिपॉजिट किया जाता है, तो इसके परिणाम स्वरूप भी जो समुद्र है वो प्रदूषित होता है, और इससे प्रवालों की मृत्यु हो जाती है। मीन्स प्रवालों के लिए जो कंडीशन होती है वो फुलफिल नहीं हो पाती है, और इससे भी इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर हम लोग बात करें संक्रामक रोगों की। मीन्स जो संक्रामक रोग होते हैं जिनमें कोरल प्लेग होता है, उसके अलावा जिनोबायटिक्स होता है, इन रोगों के फैलने से भी इनकी मृत्यु हो जाती है। अब हम जानते हैं कि आखिर में क्या होता है कि इसकी मृत्यु हो जाती है। मीन्स जब इन दशाओं में से कोई भी दशा फुलफिल नहीं होती है, उस स्थिति में जिप्सन थैले नाम का जो जीव होता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को नहीं कर पाता है। अब यह प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा तो खाना नहीं बनाएगा, खाना नहीं बनाएगा तो ये प्रवालों को खिला नहीं पाएगा, और प्रवालों को अगर नहीं खिला पाएगा तो क्यों रखेंगे प्रवाल। तो प्रवाल क्या करता है, इसको अपने उससे बाहर कर देता है। मीन्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस फील होने लगता है, टेम्परेचर के जो कारण में प्रवालों को बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस, बहुत ही ज्यादा तनाव होने लगता है। मीन्स एक तरह से कह सकते हैं कि आप उनको बहुत ही ज्यादा बेचैनी टाइप की होने लगती है उनको उस खोल के अंदर, उसके परिणाम स्वरूप ये जुक्सन थैले या इस सवाल को अपने खोल से बाहर कर देती हैं। ठीक है, अब अपने खोल से बाहर कर देंगी, उसके बाद में इनका जो रंग होता है वो इस फोटो में आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरह से प्रवालों की रंग को अपने त्याग कर दिया है। मीन्स इनका रंग जो है वो उड़ गया, पहले जो रंग बिरंगी हमें इनकी संरचना दिखाई पड़ रही है पड़ रही थी वो अब एकदम व्हाइट हो गई है। तो इसके परिणाम स्वरूप ये घटना होती है कोरल ब्लीचिंग या प्रवाल विरंजन में। तो मैंने आपको बताया कि 1998 के आसपास सबसे पहले ये घटना समुद्र में देखी गई थी, अंडमान निकोबार के पास में, केन्या के तटों के पास में, वहां पर वैज्ञानिकों ने इसको देखा था। ठीक है, अब हम जानते हैं कि प्रवाल भित्ति का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो अगर हम बात करें प्रवाल भित्ति के निर्माण की, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ कोरल रीफ की, तो निर्माण जो इनका होता है वो तटीय सीमा के पास में होता है। मीन्स कॉन्टिनेंटल सेल्फ, मैंने आपको बताया था कि कॉन्टिनेंटल सेल्फ समुद्र की वह स्थान होता है जहां की गहराई बहुत ही ज्यादा होती है। मीन्स तटों के पास में समुद्र की गहराई उतनी ज्यादा नहीं होती है, लगभग यहाँ पर 150 मीटर या इस प्रकार के आसपास में होती है। ठीक है, तो उसके पास में जहां पर इस प्रकार का चबूतरा मिल जाएगा वहां पर कोरलों का, इन पादपों का निर्माण होता है। ठीक है, सॉरी, वहां पर प्रवाल भित्ति का मीन्स वहां पर प्रवाले पाई जाएंगी, और अगर ये लोग समुद्र के सतह के तटों के पास रहेंगी तो वहां पर इनको जो इनकी कंडीशन होती है, जो आदर्श दशाएं होती हैं वो भी थोड़ी उसमें डाइवर्सिटी होने लगेगी, क्योंकि तटों के पास में ज्यादा गंदगी या तापमान का बढ़ना या नदियों का मुहाना वह तट के पास में ही पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में द्वीपों के चारों तरफ भी इनकी संरचना पाई जाती है। मीन द्वीपों के पास में कहीं पर अगर द्वीप है तो उसके पास में इस तरह का जो सागर तल की गहराई होगी वो बहुत ज्यादा नहीं होगी, तो वहां भी इन्हें एक चबूतरा मिल जाएगा जिसके ऊपर ये अपना जीवन निर्वाह करने लगते हैं। ठीक है, अब प्रवाल भित्तियों के निर्माण के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है। एक तो है हमारा तटीय प्रवाल, ठीक है, एक हमारा है तटीय प्रवाल जिसे हम लोग फ्रिंजिंग रीफ भी कहते हैं।
और तटीय प्रवाल जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसका नाम है तटीय प्रवाल, तो जाहिर सी बात है कि ये तटों के पास में पाया जाएगा। ठीक है, फिर हमारी जो अगली प्रवाल है उसका नाम है प्रवाल रोधिका या अवरोधक प्रवाल भित्ति या बैरियर रीफ। ठीक है, ये हमारा बेसिकली द्वीपों के पास में पाया जाता है। ये जो हमारा प्रवाल भित्ति होती है, ये जो हमारी प्रवाल भित्ति होती है, ये तटों के पास में, सॉरी, द्वीपों के पास में पाई जाती है। ठीक है, और जो थर्ड हमारी है वो है प्रवाल वलय या कोरल रिंग, या इसे एटॉल भी कहते हैं। ठीक है, अब चलिए इनकी संरचनाओं को हम थोड़ा डिटेल में और समझते हैं कि आखिर में तटीय प्रवाल, प्रवाल रोधिका या प्रवाल वलय क्या क्या होते हैं। देखिए, ये हमारा हो गया सागर, मीन्स ये हमारा हो गया ओशियन महासागर। उसके बाद में ये हमारा वहां पर कोई द्वीप है या कह सकते हैं उसका तट है। ठीक है, द्वीपों का ये तटों का उठा हुआ भाग है। ठीक है, तो इसे हम मान लीजिए कॉन्टिनेंटल सेल्फ, मान लीजिए कॉन्टिनेंटल सेल्फ, या इसे हम कोई आइलैंड भी मान सकते हैं। ठीक है, अब आइलैंड के पास में यहां पर जो गहराई है वो बहुत ही कम है, तो यहां पर इस तरह से प्रवालों की उत्पत्ति होती रहती है। मीन्स यहां पर प्रवालों के, प्रवाल ब्रिंजन की क्रिया, मीन्स कोरल ब्लीचिंग की क्रिया होती रहती है। और मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया कि ये एक के ऊपर इनकी अगली पीढ़ी अपना जीवन निर्वाह करती है, तो इस तरह से प्रवालों के एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, इस प्रकार से होते होते जब ये हमारे निमग्न तट को तीन तरफ से ढक लेते हैं या तीन तरफ से घेर लेते हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप जिस संरचना का निर्माण होता है उसे हम लोग तटीय प्रवाल भित्ति या फ्रिंजिंग रीफ भी कहते हैं। ठीक है, अब इस प्रकार की संरचना आपको कहाँ मिलेगी? मन्नार की खाड़ी में। आप लोग भारत के जाइए, मन्नार की खाड़ी में, उसके अलावा यूएसए के फ्लोरिडा में भी आपको इस तरह की प्रवाल भित्ति मिल जाएगी। फ्लोरिडा जो कि एक स्टेट है, मैंने आपको बताया था फ्लोरिडा करंट के बारे में बताया था, तो वहां पर आपको इस तरह की संरचनाएं मिलती हैं। ठीक है, तो जो द्वीपों, सॉरी, कॉन्टिनेंटल सेल्फ या महाद्वीपों के पास में निमग्न तट में जिस प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है उसे हम लोग तटीय प्रवाल भित्ति कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को ना? चलिए ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला जानते हैं प्रवाल रोधिका या अवरोधक प्रवाल भित्ति के बारे में। तो प्रवाल रोधिका के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। प्रवाल रोधिका में क्या होता है कि जब किसी भी द्वीप के चारों तरफ इस प्रकार से प्रवालों की वृद्धि होती है, मीन्स इस प्रकार से प्रवालों की वृद्धि हो कि ये पूरी तरीके से द्वीप से सटे हुए ना हो, क्या होता है, मीन्स ये तट से कुछ दूर पाए जाते हैं और इन प्रवाल भित्तियों का स्पर्श या ये जो बीच के द्वीप होते हैं इनसे सटे हुए नहीं होते हैं, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि इनके बीच में ये गड्ढे नुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम लोग कहते हैं लैगून झील। इसका नाम क्या होता है? लैगून झील। तो प्रवाल रोधिका बेसिकली वह प्रवाल भित्ति होती है जो तटों से दूर बनती है और ये किसी द्वीप को चारों तरफ से घेरे रहती है, और इसके बीच में जिस झील का फॉर्मेशन होता है, जो जिस गड्ढे नुमा आकृति का निर्माण होता है उसे हम लोग कहते हैं लैगून झील। ठीक है, तो ये हमारी हो गई प्रवाल रोधिका या बैरियर रीफ के बारे में। जो सबसे बड़ी बैरियर रीफ है वो कौन सी है? हमारी ग्रेट बैरियर रीफ, मैंने आपको बताया ऑस्ट्रेलिया में है। तो क्या होता है, इसको मैं थोड़ा आपको मैप के जरिए बताता हूं। देखिए, ये हमारा हुआ ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, ये हमारा हुआ ऑस्ट्रेलिया, और इस तरह से इसके पूर्व के साइड में ये हमारा ग्रेट बैरियर रीफ बना हुआ है। ठीक है, तो ये बीच में आप लोग देख रहे होंगे ये खाली जगह है, यहाँ पर सागर का जल आता रहता है, तो ये जो हमारा है इसे हम लोग लैगून झील कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि प्रवाल रोधिका क्या होती है, जो तटों से दूर होती है और किसी भी द्वीप को चारों तरफ से घेरे रहती है, मीन्स उसके इस तरह से घेरे रहती है कि उसके बीच में खाली स्थान होता है, गड्ढे नुमा आकृति बनती है जिसे हम लोग लैगून
झील कहते हैं। ठीक, अब चलिए हम लोग बात करते हैं प्रवाल हो रहा है या कोरल रिंग की। तो ये हो गया हमारा प्रवाल वलय। ठीक है, इसमें क्या होता है कि प्रवालों की वृद्धि इस हद तक होती जाए किसी आइलैंड के या किसी द्वीप के बगल में, प्रवालों की वृद्धि इस तरह से होती जाए कि जो द्वीप खंड है बीच में वो द्वीप खंड समुद्र के अंदर डूब जाए। ठीक है, मींस इनकी हाइट इतनी होती जाए कि जो बीच का द्वीप है, जो आइलैंड है, वो डूब जाए और इसके परिणाम स्वरूप जिस प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है इसे हम लोग प्रवाल वलय या कोरल रिंग कहते हैं। और ये बीच की जो संरचना होती है इसे एटॉल कहते हैं, मीन्स इसे कोरल रिंग या एटॉल भी कहते हैं, इसे एटॉल भी कहा जाता है। और इसका जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है वो फिजी का एटॉल है। फिजी में इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। जब हम लोग मैप का अध्ययन करेंगे उसमें मैं आपको इसको और क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रवालों के बारे में, मैंने आपको एक जनरल सा इंट्रोडक्शन कराया। अब आप इसको अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिएगा। ठीक है, अगर आप लोग इसको अपने शब्दों में लिख लेंगे तो इससे आप लोगों को ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी। हालांकि जब मैं इससे जुड़े हुए क्वेश्चन करवाऊंगा, जब इससे जुड़े हुए प्रश्न करवाऊंगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको लिखा जाता है। यहाँ पर बेसिकली मेरा काम था कि मैं आपको समझाऊं और आप अपने शब्दों में इसे लिखने का प्रयास करें। तो वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप सभी अपने जीवन में अपार सफलता हासिल करें इसी शुभकामना के साथ एक बार फिर से आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद।